अगर ये सब्सक्राइबर रोनाल्डो को 1v1 में हरा पाया तो मैं उसे दूंगा $10,00,000। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं पूरी धरती के ओह माय गॉश सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे तेज एथलीट्स जो आम लोगों के साथ कम्पीट करने वाले हैं। और शुरू करते हैं टॉम ब्रेडी से। ओपोनेंट से मिलने के लिए तैयार? हाँ तैयार हूँ। इससे मिलो, हाई स्कूल फुटबॉल प्लेयर जेक तुम्हारा ओपोनेंट। तुम दोनों को बारी बारी करके इन गुब्बारों पर फुटबॉल फेंकने हैं। जो सबसे पहले चारों को फोड़ेगा वो ये $1,00,000 जीतेगा। और क्योंकि टॉम के सुपर बोल रिंग्स ये साबित करते हैं कि वो अब तक का सबसे महान क्वार्टरबैक है, इसीलिए उसके बलून्स थोड़े छोटे हैं। जाहिर है जेक को पहले बॉल फेंकनी चाहिए क्योंकि इसके पास 7 सुपर बोल रिंग है। उस पहले बलून को फोड़ने की कोशिश करो। इसी के साथ पहला 1v1 शुरू होता है। ये वाला सच आसान था। अब तुम्हारी बारी टॉम, शुरू करते हैं। ओह, उसने फोड़ दिया। ये कितना जल्दी हो गया। अब 20 यार्ड्स की दूरी पर। ओह माय गॉश, दो में से दो। ये तो इसमें माहिर है। टॉम वो तुम्हारा ओपोनेंट है, उसे फिस्ट बंप मत दो। था, मैं इंप्रेस हो गया। 20 यार्ड्स जो टॉम के लिए रोज की बात होनी चाहिए। एक्चुअली चूक गया, मैं बारिश को दोष देता हूँ। ये बारिश तुमने बुलाई है? नहीं, लेकिन मैंने जेक की हाई स्कूल फुटबॉल टीम को उसे चीयर करने के लिए बुलाया है ताकि वो ब्रेडी को हरा सके। जेक 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 ओ हे, अच्छी कोशिश थी। टॉम, मुझे यकीन है तुम दूसरी बार तो नहीं चूकने वाले। देखते हैं, बॉल फेंको। इजी, अब दोनों बराबरी पर है। निशाने पर लगेगा, देख लेना पक्का। गुड थ्रो जेक, इतने से रह गया। ठीक है टॉम, अब तुम कोशिश कर सकते हो। ये हमारे जेक के लिए अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हें कुछ कर दिखाना पड़ेगा दोस्त। एक और बलून और वो जीत जाएगा। जानता हूँ। वो $1,00,000 चैरिटी में दे दिए जाएंगे। क्या तुम लोगों को इस पर विश्वास है? ये अभी जीता नहीं है। और अब टॉम की बारी। 50 यार्ड्स। ये बहुत दूर है जिमी, वो बहुत दूर है। ये डिसरेस्पेक्टफुल है, मैं तो नहीं सहता। आप सोच रहे होंगे कि अब तक का सबसे शानदार क्वार्टरबैक इस आखिरी राउंड को आसानी से पार कर लेगा। लेकिन किसी भी लेवल के पासे के लिए 50 यार्ड की दूरी से निशाना लगाना आसान नहीं है। जेक बहुत बढ़िया थ्रो था। तुम्हें इस आदमी के सामने इतने ज्यादा मौके नहीं मिलेंगे, इसका फायदा उठाओ। टॉम तो करीब आता जा रहा है। जिंदगी का सबसे बड़ा पल। सही कहा। बस निशाना लगाओ, टॉम ब्रेडी को हराओ और तुम जीत जाओगे $1,00,000 अपने हाई स्कूल और 20 करोड़ लोगों के सामने। कम ऑन जेक, तुम कर सकते हो। $1,00,000। इस वीडियो में हमारे पास और भी कई अमेजिंग एथलीट्स हैं, जिसमें शायद अब तक का सबसे महान फुटबॉल प्लेयर भी शामिल है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। लेकिन अभी आइए हम दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले व्यक्ति के खिलाफ एक आम आदमी को दौड़ते हुए देखें। ये है नोआ लाइल्स। ये ओलंपिक्स में 3 बार गोल्ड मेडल जीत चुका है और अभी ये दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो इसे टक्कर दे सके। और $1,00,000 के लिए ये रेस करेगा मेरे दोस्त जोना के साथ। दुनिया का सबसे मोटा। अगर नोआ जीता तो मैं पैसे डोनेट कर दूंगा, अगर जोना जीता तो मैं पैसे उसके बैंक में डाल दूंगा। लेकिन जोना के पास नोआ को हराने के चांसेस हैं -200, इसीलिए हम नोआ के काम को थोड़ा मुश्किल बनाएंगे। ये रेस 200 मीटर की होने वाली है। लेकिन जोना, मैं तुम्हें थोड़े पैसों के बदले में थोड़ा आगे रखूंगा। हर 10 मीटर की दूरी कम करने पर तुम्हें उस जीत की रकम में से $10,000 मुझे देने होंगे। मान लो तुम्हें शुरुआत करनी है यहाँ से, ये 10 मीटर का हेड स्टार्ट है। वो 5 सेकंड में आगे निकल जाएगा। ठीक है, चलो आगे वाले मार्क की तरफ। $80,000 कैसे रहेंगे? नहीं, तुम जीतना चाहते हो तो इतना आगे आना सही रहेगा। 40,000 भी बहुत बड़ी रकम होती है, तुम एक नई कार खरीद सकते हो। ठीक है, 40 सही है, मैं तैयार हूँ। तो तुम शुरू करने जा रहे हो यहाँ से, जहाँ तुम्हारे पास होगा 60 मीटर का हेड स्टार्ट और $40,000 जीतने का मौका। उसे फिनिश लाइन तक पहुँचने से पहले मोच आ जाएगी। इसे करते कैसे हैं? तुम्हारे पैर इन पैड्स पर होने चाहिए। वो मुझसे लगभग आधे फुटबॉल फील्ड जितना आगे हैं। जितना लोग सोच रहे हैं ये रेस, उससे ज्यादा टक्कर की होगी। ठीक है रनर्स, क्या तुम तैयार हो? आइए देखें कि क्या जोना $40,000 के लिए दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले को हरा पाएगा। On your mark, get set. और ये निकल पड़े। जोना को देखो, जोना को देखो, वो मुझे पकड़ लेगा। जोना भागो 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 जोना भागो। Oh my God, वो मुझे पकड़ लेगा दोस्त। वो आ रहा है। भागो, go. वो मुझे पकड़ लेगा। भागो 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 जोना, भागो और तेज।
वो उसे चिढ़ा रहा है। उसने फिनिश लाइन जॉब करके पार की। वो तो जीतने के आसपास भी नहीं था। ओह माय गॉड, ये तो चीता की तरह भागता है। तुम्हें मुझे उठाना होगा। मुझसे नहीं होगा। तुम्हें मुझे उठाना होगा। में क्यों हो? देखो वो जमीन पर है। याओ। याओ। दम लगा के मैं तो मर गया। नोआ जीत गया। वो चाहता है हम ये पैसे चैरिटी को डोनेट करें। और वैसे हम आगे इस वीडियो में नोआ लाइंस को वापस लाने वाले हैं दुनिया के सबसे तेज स्ट्रीमर के खिलाफ रेस करवाने आई शो स्पीड। लेकिन अभी चलो ब्राइस हॉपर के साथ थोड़ा बेसबॉल खेलते हैं। इस अगले 1v1 मुकाबले के लिए हम ला रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन बेसबॉल हिटर को, बिग जस्टिस। ये अपनी छोटी लीग में सबको पछाड़ चुका है और बिग जस्टिस के खिलाफ खेलने के लिए आ रहे हैं वो प्लेयर जिसे बेसबॉल में सबसे ब्रूटल हिटर्स में से एक माना जाता है। वो रुको, ये तो बेईमानी है। मैं तैयार हूँ। ब्राइस हॉपर ने अपनी गजब की बैटिंग पावर से अब तक 300 से ज्यादा होम रन बनाए हैं। उसने जीते हैं 2 MVP टाइटल्स, 8 ऑल स्टार बिड्स और यहाँ तक कि एक होम रन डर्बी कॉम्पिटिशन भी। कैसे हो दोस्तों? और इसीलिए तुम दोनों एक होम रन डर्बी में आपस में कम्पीट करोगे। मैं तो मर गया। नहीं, तुम कर सकते हो। पर बिग जस्टिस का साइज ब्राइस हार्पर के साइज का आधा है, तो हमने इसके फेंस की दूरी भी ब्राइस के फेंस की दूरी से आधी रखी है। तुम हारने वाले हो। वो तो देखा जाएगा बच्चे। और इस वीडियो के बाकी सभी मुकाबलों की तरह अगर बिग जस्टिस जीता तो हम उसे देंगे पूरे $1,00,000 और अगर ब्राइस जीता तो हम उसके पसंद की किसी भी चैरिटी को $1,00,000 डोनेट करेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि ब्राइस हार्पर ही जीते। नहीं, लेकिन तुम दोनों को ही अपना बेस्ट देना होगा। वो तो हम देंगे। पोकेमॉन कार्ड्स के बारे में सोचो। वो पोकेमॉन कार्ड बिग जस्टिस धूल चाटने वाला है। उसका जीतना नामुमकिन होगा। मुझे डर लग रहा है। उसके पास 10 बॉल्स हैं। देखते हैं वो कितने होम रन बना पाएगा। ओह, नीचे जाओ। ये तो किसी रेनबो जैसा है। नीचे 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 नामुमकिन। या 1 बॉल में 0, वो परफेक्ट नहीं है। चैंडलर बॉल पकड़ो ब्रो। मैं उसे नहीं पकड़ने वाला। बॉल दीवार पर जा लगी। $1,00,000 दांव पर है। ठीक है। ओह माय गॉश, शायद ये एक होम रन होने वाला है दोस्त। नहीं, 3 बॉल में 1। उसे उकसाने की कोशिश करो। बूम, ऊपर जाओ। फेंस पर टकराएगी। ऊपर जाओ। ये बॉल बस 1 फीट से अंदर रह गई। नहीं, ये गई बॉल पार्क के बाहर। ये देखकर मजा ही आ गया। लेट्स गो ब्राइस। ओह, 6 बॉल में 2। बॉल छोटे वाले फेंस के ही अंदर रह गई। तुम कमाल के हो ब्राइस। रुको, ये क्या? स्टेडियम के बाहर चली गई। मुझे लगता है उन्हें ब्राइस के लिए बड़े स्टेडियम्स बनाने होंगे। तुम कर सकते हो। यस। 8 बॉल में 3। अगर वो सिर्फ 3 मारे तो तुम जीत सकते हो। ओह, वो तो नहीं होने वाला। उस गिटार पर लगेगा। एक और होम रन। मैं थक गया। देखते हैं 10 में 5 स्कोर कर पाएगा या नहीं। Yeah! मैं ये कर सकता हूँ। 10 बॉल्स में 4। मैं तो बहुत थक गया, बहुत ही ज्यादा। चलो चले, तुम कर सकते हो। बिग जस्टिस शायद ब्राइस हॉपर को हरा देगा। हाँ, हो सकता है। बिग जस्टिस, किसी को बताना नहीं, उसका हौसला बढ़ाओ। लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें ही चीयर कर रहा था। Go! तुम कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक बात बताऊं, उसने तुम्हारे नंबर का टी शर्ट नहीं पहना। ये तो मैं बस मतलब टी शर्ट मिला ही नहीं। 5 होम रन और बिग जस्टिस धमाका कर देगा। हमें 5 चाहिए। तैयार हो? कम ऑन दोस्त। ऐसा और 4 बार करो। 2 बॉल में ऐसे शॉट बहुत अच्छा था तुम्हारा। नहीं, बस थोड़े से रह गया। कोई बात नहीं। कम ऑन, तुम कर सकते हो। एक और। ये एक होम रन है। लेट्स गो, बूम। ये हुई ना बात। शाबाश। 3 और फिर वो जीत जाएगा। बिग जस्टिस पर भरोसा है। कर सकते हो। अब और 3 मारने हैं। खत्म करो। कम ऑन। 7 बॉल में 3। कम ऑन, तुम कर सकते हो। क्या आप अपने बेटे से कुछ कहना चाहोगे? तुम कर सकते हो। बिग जस्टिस करेगा। कम ऑन दोस्त। वाह, क्या बात है, ये तो बूम। जिंदगी के सबसे बेस्ट। तुम्हारे पास 2 बॉल्स बचे हैं। तुम्हें बस 1 होम रन मारना है और जीत तुम्हारी। कम ऑन, तुम कर सकते हो। कम ऑन दोस्त, एक और, तुम कर लोगे। तुम कर सकते हो। इसने कर दिखाया। इसे कहते हैं होम रन। लेट्स गो। या! 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 या!
रहा है। शाबाश, तुमने ब्राइस हार्पर को हरा दिया। तुमने कमाल कर दिया। मुझे पता नहीं था कि वहाँ कंफेटी है। मैं डर गया था। क्या तुम भी डर गए थे? है ना? जरा देखो तो वो कितना खुश है। जस्टिस का धमाका। मुझे तुम पर गर्व है। मजा आ गया। लेकिन कहीं जाइए नहीं, क्योंकि आगे हम देखेंगे रोनाल्डो को एक रैंडम आदमी के साथ 1v1 करते। लेकिन पहले आइए देखते हैं एक नौसिखिए गोल्फर को एक प्रोफेशनल के साथ मुकाबला करते। मेरे लेफ्ट में है ब्राइसन डिशैम्बो, जो 2 बार मेजर गोल्फ चैंपियंस जीत चुका है। और मेरे लेफ्ट में है एडन, और ये साफ है कि ब्राइसन गोल्फ खेलने में तुमसे बेहतर है। हाँ। और इसीलिए तुम्हारा होल इससे 50 गुना ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, 1,00,000 दाव पर है। अगर तुम जीते तो मैं कल ही तुम्हें पैसे भेज दूंगा, और तुम जीते तो वो पैसे मैं तुम्हारे पसंद की चैरिटी को दूंगा। मैं इस होल में लेट सकता हूँ, इतना बड़ा होल मिला है तुम्हें। वो होल यहाँ से 330 यार्ड्स दूर है। तुम्हें बॉल को होल तक पहुँचाने के लिए कितने हिट्स लगेंगे? 4। तुम कह रहे हो 4 या शायद 3। क्या तुम यहाँ से उसे एक ही हिट में होल में डालने की कोशिश करोगे? हाँ, पहली कोशिश तो वही रहेगी। नो बट्स। लेकिन ये कैसे हो सकता है? जेनेटिक्स। चलिए देखते हैं क्या होता है। $1,00,000 दाव पर है। जब भी तुम तैयार हो। काफी अच्छा शॉट था। थैंक्स ब्राइसन। दरअसल मैं सच में बहुत इंप्रेस्ड हूँ कि तुमने बॉल पानी में नहीं डाला। बहुत खूब। थैंक यू। ओह माय गॉश, जल्दी करो होल इन वन ब्राइसन। ठीक है। क्लब को स्विंग करो। दुनिया के सबसे बेस्ट गोल्फर्स में से एक। मुझे नहीं पता वो कहाँ गया। ओह, ये तो टारगेट से बहुत दूर था दोस्त। रुको, मुझे लगता है कि वो शायद पानी में गिर गया होगा। मैं इंप्रेस्ड हूँ। उस तरफ है, लेकिन वो बॉल उस तरफ। हाँ, उस तरफ। तुम अपने पहले शॉट को 1 से 10 में क्या रेट करोगे? बहुत बुरा। ठीक है, ये रही तुम्हारी बॉल, क्योंकि तुम्हारी वाली ब्लू थी, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से वो होल सीधे आगे की ओर है। अगर ब्राइसन ने बॉल पानी में डाली तो मैं उससे भी बेहतर हूँ। ब्राइस, चलो चलकर तुम्हारी बॉल ढूंढे। ब्राइसन बॉल दूर तक हिट कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा करना सही हो। तो इससे पहले कि हम एरन को हिट करने दें, आइए देखते हैं क्या ब्राइसन पर पेनल्टी लगती है या नहीं। हम ब्राइसन की बॉल ढूंढ रहे हैं, वैसे हम होल के बहुत करीब हैं। मुझे लगता है बॉल वहां घास पर होगी, नसीब साथ दे तो। वो तो पता चल ही जाएगा। मुझे वो बॉल कहीं मिल तो नहीं रही। हाँ, मुझे भी नहीं दिख रही। नहीं, वो बॉल पानी में चली गई। तो क्योंकि हम ब्राइसन की बॉल को वापस गोल्फ कोर्स पर रख रहे हैं, ये सेकंड स्ट्रोक की तरह काउंट होगा, यानी कि अब वो आगे अपना तीसरा शॉट लेगा। ठीक है एरन, चलो देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। वो एक ही हिट में यहाँ बॉल पहुँचाकर $1,00,000 जीत सकता है। तुम कर सकते हो। वो कहाँ मारा मैंने? सीधे होल की तरफ। ठीक है, लेट्स गो। ये क्रेजी है, यकीन नहीं होता। ओ, ये ठीक तुम्हारे बॉल के पास है। तुम मजाक कर रहे हो ना? इनके इतने करीब होने के क्या चांसेस? इसके तरीके और मेरे तरीके के बीच बहुत कम चांसेस थे। वैसे ये तारीफ थी, मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा था। ओके। किसी ने तो की। हाँ। तुमने कभी याहू स्पोर्ट्स ऐप यूज किया है? हाँ, बिल्कुल, फैंटेसी फुटबॉल के लिए। हाँ, एग्जैक्टली। उनके पास एक नया गेम है डेली ड्रॉ। ओके। जिसे हम यहाँ अनाउंस कर रहे हैं। क्या जिमी सच में अभी एक ऐड करने वाला है इतने तनाव भरे वक्त में? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्विंग है, इसीलिए जब तक ये फोकस करता है मैं आपको बताता हूँ याहू स्पोर्ट्स ऐप के ब्रांड न्यू गेम के बारे में। ओ, ये तो बहुत ज्यादा ऊपर गया। मिल गया, यहाँ घास पर होल से बहुत नजदीक है, मैं इसे देख सकता हूँ क्योंकि ये ब्लू है। क्या तुम उस स्विंग से खुश हो? मुझे बस इंतजार करना है ब्राइसन की एक और गलती का, जो कि वो जरूर करेगा। वाओ, समझ रहे हो ना? वाओ। डेली ड्रॉ एक फ्री टू प्ले गेम है जो अवेलेबल है याहू स्पोर्ट्स ऐप पर। ओ, बहुत बढ़िया स्विंग थी, बहुत ही ज्यादा बढ़िया स्विंग। ओ, जरा इसे देखो, बॉल होल के बहुत पास है। डेली ड्रॉ में आपको कार्ड्स मिलते हैं जिनसे आपको ये प्रिडिक्ट करना है कि गेम का आउटकम क्या होगा। अगर आपका प्रिडिक्शन सही निकला तो आप जीत सकते हैं। ठीक है, अब ये अंदर जाएगा। जब भी तुम तैयार हो, अगर तुम ये शॉट लेते जो वो लेने जा रहा है तो मैं कभी नहीं चूकता। ठीक है। हाँ। ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट शॉट है। क्या ये पट तुम्हें $1,00,000 दिलवा पाएगा? Oh my gosh. मेरा क्लब घास में अटक गया। शायद ये मेरा देखा गया अब तक का सबसे embarrassing moment था। मुझे इस वक्त बहुत बुरा लग रहा है। हाँ, क्या हुआ दोस्त? मुझे चैरिटी में दान करना है। हाँ, बिल्कुल। अब इस स्विंग को देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके याहू स्पोर्ट्स ऐप डाउनलोड करो, और हम उन लोगों को $1,00,000 देने वाले हैं जिन्हें अपने डेली ड्रॉ पैक्स में मिस्टर बीस्ट कार्ड मिलेगा। यानी 20 दिसंबर से पहले 10 दिनों तक हर एक दिन $10,000 जीतने का मौका। और अगर आप गेम रिमाइंडर के लिए साइन अप करें तो आप मुझसे और बॉयज से एक दिन के लिए मिलने का मौका जीत सकते हैं, और सेट पर हमारे साथ एक सेल्फी भी ले सकते हैं। क्या ये कोई मजाक है? तुमसे इतना भी नहीं हुआ ब्राइसन। एक बात कहूँ, शायद तुम्हें थोड़े हौसले की जरूरत है। इसकी वाइफ को लेकर आना। क्या तुम मुझे देख रही थी? मैं झाड़ियों से छिपकर तुम्हें देख रही थी। हाँ। इसे कहो अगर हार गए तो फर्क नहीं पड़ता। मैं ऐसा नहीं कह सकती। ओह माय गॉड। ओह, मेरा दिल फटने वाला है। मैं पूरी कोशिश करूंगा। इसे कर दिखाया। अब आया मजा। लेट्स गो ब्राइसन। अगर तुमने ये मिस किया तो तुम वायरल हो जाओगे। ठीक है, किसी तरह तुम दोनों का टाई हो गया, तो मैं इन बॉल्स को लेता हूँ।
एरन, तुम वहां से खेलोगे। ठीक है। ओह माय गॉश, ये तो और भी दूर गया। ठीक है, अब आएगा मजा टाई ब्रेकर के लिए, देखते हैं क्या होगा। नहीं, नोलन बच गए। अरे नहीं, क्या रॉकेट शॉट था, बॉल पानी में चली गई। मेरी वाइफ आ रही है, मैं सुन सकता हूँ, अब और भी बुरा लग रहा है। कोशिश तो बहुत अच्छी की, पर अब खेल खत्म करते हैं। ओ, ये शॉट तो कमाल का था। ओ, बॉल सीधे ग्रीन पर गई। एरन ने बॉल को पानी में डाला, हम उसकी बॉल यहाँ रखेंगे। ये था एक स्विंग, अब चलते हैं गोल्फ प्रोफेशनल के पास। मुझे ये खत्म करना है। ओके। ओ, शाबाश। ओह, ये उसके ऊपर से होकर मेरी ओर आई। तुम्हारे पास एक मौका है दोस्त, तुम्हारे पास एक मौका है। मुझे गोल्फ नहीं आता। मैं इसे हरा ही नहीं पा रहा। $1,00,000 के लिए। ओ, अच्छा शॉट था। नहीं, नहीं है। वो जा रहा है सर के ऊपर से। मुझे गोल्फ से नफरत है। अगर ब्राइसन ने मिस किया तो मुझे मौका मिल सकता है। लास्ट स्विंग। तुम्हारे साथ खेलकर बहुत मजा आया। जानते हो इस वक्त मैं क्या खुश कर सकता हूं? क्या बताऊं? मेरे वीडियोस में आने वाला अब तक का सबसे मशहूर प्लेयर कैसा रहेगा। लेकिन इससे पहले कि हम रोनाल्डो के साथ हैंग आउट करें, हम जा रहे हैं वापस रेस ट्रैक पर, क्योंकि मैं नोआ लाइल्स को हराने के लिए एक और इंसान को मौका देना चाहता हूं। और मेरे दिमाग में एक परफेक्ट कैंडिडेट है। मिस्टर बीस्ट इस वक्त मुझे कॉल क्यों कर रहा है? यो स्पीड, देखो मेरे साथ यहाँ कौन है। ओह नो नो, रेस करोगे तो तुम कब हारना चाहोगे? मैं अभी के अभी अपना स्ट्रीम रोककर वहाँ आ सकता हूँ, अभी के अभी। और मुझे यकीन नहीं हुआ, पर स्पीड सच में नोआ से रेस लगाने के लिए यहाँ आ गया। ओह, क्या तुम तैयार हो दोस्त? ये जीत मेरे नाम पर ही लिखी है दोस्त। तुम जानते हो ना मेरा नाम स्पीड है ना? वो नाम तुमने अपने आप को दिया है, बहुत क्यूट हो। इस बार स्पीड, जो कि अब तक का सबसे तेज भागने वाला कंटेंट क्रिएटर है, उसे लगता है वो दुनिया के सबसे तेज एथलीट को हरा पाएगा। मैं इसका टाइटल छीनने वाला हूँ। ओलंपिक्स में भी सभी लोगों ने यही कहा था। Oh my God, टाइटल तुमसे छीन लूंगा, समझे? अगर तुम फिर से जीते तो तुम्हें अपनी चैरिटी के लिए और $1,00,000 मिलेंगे। अगर स्पीड जीता तो हम $1,00,000 उसके किसी फैन को देंगे। दूसरा कदम उठाने पर तुम सारी उम्मीदें खो दोगे और रेस को रोकना चाहोगे। इस रेस को मत रोकना। मेरा नाम स्पीड है दोस्त, हैरान होने के लिए तैयार हो जाओ, समझे? ठीक है, ये दौड़ 50 मीटर की होगी और अगर स्पीड जीता तो वो ऑफिशियली दुनिया का सबसे तेज भागने वाला इंसान बन जाएगा। तो क्या तुम दोनों तैयार हो? लेट्स गो। अब ये देखो। तो तैयार हो? लेट्स गो। अब ये देखो। ठीक है, लेट्स गो बेबी। ऑन योर मार्क सेट। ओ, वो निकल पड़े। स्पीड उससे आगे है, स्पीड उससे आगे है। वो जीत सकता है, शायद वो जीत जाएगा। दोनों बहुत करीब थे। ये एक टाई था। चलो वीडियो देखते हैं। वीडियो देखते हैं ना। ये टाई था। मैं चला अपने पैसे लेने। मैं ला रहा हूँ ये अल्ट्रा स्लो मो कैमरा। तुम लोग देखना चाहोगे ना? मुझे नहीं देखना। ब्रो, ये तो टाई हुआ ना। तो वो टेप मुझ पर क्यों है? क्योंकि तुम पसीने से भीग चुके हो। तुम भी भीग चुके हो। तुम ये $1,00,000 अपनी कौन सी चैरिटी को डोनेट करोगे? मैं चाहता हूँ कि मैं इन्हें स्पीड को दूं, लेकिन उन गरीब बच्चों को इनकी ज्यादा जरूरत है। ओह माय गॉड। लेकिन इससे पहले कि हम स्पीड के फेवरेट इंसान से मिले हमारे आखिरी 1v1 बैटल के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 19 दिसंबर को हम प्राइम वीडियो पर अब तक की सबसे बड़ी रियलिटी सीरीज के सभी 10 माइंड ब्लोइंग एपिसोड्स लॉन्च कर रहे हैं। इस शो में है अब तक का सबसे जबरदस्त और धमाकेदार कॉन्टेंट जो आपने कभी नहीं देखा, लेकिन उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि अब वक्त आ गया है उससे मिलने का, जो अब तक के मेरे वीडियोस में आने वाला सबसे बड़ा गेस्ट है। $1,00,000 के लिए खलीद मुकाबला करने जा रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर से, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। वो जो तुम्हारे और इस $1,00,000 के तुम्हारे बैंक में होने के बीच आ रहा है वो है रोनाल्डो। मैं मिस्टर बीस्ट के लिए अपनी लकी शर्ट पहन कर आया हूँ। ये मेरे सबसे बड़े फैन है। ये तुम्हारा सबसे बड़ा फैन? मैं इनका सबसे बड़ा। तुम घबरा रहे हो, तुम नर्वस हो ब्रो, तुम घबरा रहे हो। बहुत पैसे दांव पर हैं। इस कॉन्टेस्ट के नियम बहुत आसान है। तुम दोनों ही गोल पर लगे कुछ टारगेट्स पर निशाना लगाओगे, जिसने सबसे पहले 3 टारगेट्स हिट किए जीत उसकी। और अगर खलीद किसी तरह रोनाल्डो को हरा पाया तो मैं उसे दूंगा $1,00,000। मैं इसे ऐसे ही नहीं ले जा सकता। नहीं, पहले इसे हरा कराओ। तुम्हारे रोनाल्डो को हराने के चांसेस कितने? मुझे तो लगता है 50-50। क्या तुम इससे सहमत हो? मुझे इसका कॉन्फिडेंस पसंद है। ओके, हाँ। जब भी तुम तैयार हो, सब तुम पर है। तुम्हें 10 करोड़ लोग देख रहे हैं। ठीक है, अभी तो निशाना नहीं लगा। रोनाल्डो, तुम्हारी बारी। ओके, लेट्स गो। दोनों ने मिस कर दिया, दोनों ने मिस कर दिया। मुझे लगता है शायद ये वो आखिरी गलती है जो रोनाल्डो इस वीडियो में करने वाला है। ये तुम्हारे उससे आगे निकलने का शायद आखिरी मौका हो। Yeah!
तुमने हिट कर दिया। गोल। Excuse me, रोनाल्डो। इस वक्त तुम रोनाल्डो को हरा रहे हो। वाव। पर तुम्हें तो और चाहिए। Oh my gosh। मैं सातवें आसमान पर हूँ। तो नीचे उतर जाओ, अभी टाइम है। वाव। दिखा दो तुम्हें गोट क्यों कहते हैं। खलीद, तुम करोड़पति बन सकते हो। और दो, ये क्या हो रहा है? हिट करने ही वाला था। ठीक है, अब रोनाल्डो के पास ट्राई करने का एक मौका है। देखते हैं क्या होता है। खालिद, उसे और एक मौका मत देना दोस्त। खालिद, तुम इस वाली बॉल से मैं करूं? हाँ, तुमने अभी उस बॉल को आशीर्वाद मुझे दिया। तुम पर विश्वास लगता है रोनाल्डो चाहता है मैं $10,00,000 हार जाऊं। ठीक है खालिद, अपना जलवा दिखाओ। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन खालिद अभी 2 पॉइंट से आगे है। मतलब अब अगर रोनाल्डो को जीतना है तो उसे तीनों टारगेट्स को लाइन में हिट करना पड़ेगा, इससे पहले कि खालिद एक भी पॉइंट ले। तुम्हें लगता है तुम तीनों टारगेट्स को लाइन में हिट कर पाओगे? सच कहो तो सच में? ठीक है, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। ये इतिहास के सबसे बड़े कमबैक की शुरुआत हो सकती है। ओह माय गॉड, तुम जीत सकते हो, तुम वाकई में जीत सकते हो। खालिद, ये है तुम्हारा मौका $10,00,000 जीतने का और अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने का। खालिद, तुम कर सकते हो। गुड लक। थैंक यू। उसे थोड़ी जगह दो। कम ऑन खालिद। मुझे तो पर नाज है मेरे दोस्त। ये रहा $10,00,000 का चेक। रोनाल्डो, इन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कह सकते हो? हाँ बिल्कुल, जो भी लोग क्रिस्टियानो को फॉलो करते हैं उन्हें मिस अबीस को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन मुझे चलेगा। वीडियो खत्म करो। 19 दिसंबर को मैं प्राइम वीडियो पर ऑफिशियली बीस्ट गेम्स को लॉन्च करने वाला हूँ। मैंने 1,000 कंटेस्टेंट्स को जमा किया है ताकि वो $50,00,000 के लिए आपस में कम्पीट कर सके, जो की एंटरटेनमेंट के इतिहास में सबसे बड़ा कैश प्राइज है। इसमें है तबाही, विश्वासघात और अब तक फिल्माए गए सबसे ऊंचे दाव वाले 10 एपिसोड्स। आप ये मिस नहीं करना चाहोगे। हर एपिसोड मेरे द्वारा बनाए गए अब तक के किसी भी YouTube वीडियो से 1,000 गुना बेहतर है। मैं वहाँ पर आपका इंतजार करूंगा।